जालौन कालपी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिमरा शेखपुर में ग्राम प्रधान गजराज सिंह दोहरे की पहल से अधिकारियों से मिलकर गांव का एक मजरा उच्च स्थान पर मजरा बसाकर ग्रामीण खूब प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान गजराज सिंह ने बताया कि मेरा गांव बीहट जंगल में बसा हुआ है, यहां पर गरीब मजदूर लोग रहते हैं और यहाँ पर जमुना जी बिल्कुल गाँव से ही लगी हुई है। वही यहाँ पर बरसात के मौसम में हर वर्ष यहाँ पर बहुत तेज बाढ़ आ जाती है और आसपास के गाँव को तबाह करके रख देती है, जिसको देखते हुए हमने संकल्प लिया था कि हम अपने गांव को अपने नए युवाओं को रहने के लिए एक अच्छी व्यवस्था करने के लिए काम करेंगे। वहीं आज ग्राम प्रधान ने ये कार्य करके दिखाया। वहीं ग्राम प्रधान ने उच्च अधिकारियों से मिलकर अपने गांव का एक मजरा बसाकर चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं गरीब मजदूर लोगों को रहने के लिए पट्टा आवंटन भी कराए और निःशुल्क में वहीं पर इस अच्छी पहल को देखकर ग्रामीणों को ग्राम प्रधान की खूब प्रशंसा कर रही हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने बाहर से लेकर कोरोना काउंट में भी अपने गांव के गरीब मजदूर लोगों की हमेशा मदद की है। क्या नाम है? मालती। कहाँ के रहने वाले? सिमरा शेखपुर। तो आप लोगों ने वहाँ से रहना क्यों छोड़ दिया, क्या कारण रहा आप लोग यहाँ इधर रह रही हैं? आप लोग वहाँ बहुत दिक्कत होती, कई सालों से बाढ़ आ रही है, मकान भर जाते थे, गिर जाते थे, फिर बार बार फिर बनाओ फिर उठाओ, इसीलिए मैं सो गया प्रधान जी ने तो मैं इधर निकल आई। किस जगह रह रही हैं आप लोग यहाँ? मुर्गार मेडकर में मजरा। तो आप लोगों को प्रशासन से क्या और ग्राम प्रधान से कैसा सहयोग मिल रहा है जिससे आप लोग यहाँ रह रहे हैं? प्रशासन से तो अभी सही सहयोग मिल रहा है, बोल रहा कि मतलब देंगे तुमको आवास पूरी करेंगे तुम्हारी, प्रधानों सही सहयोग कर रहा है मेरे पास से, इसीलिए इधर से आ चुके हैं। मेरा सहयोग तो यही है कि मुझे आवास मिलना चाहिए सबको, सब भाइयों को, तो मेरा प्रतिपाल होगा भाई। चौमासा कट गया पूरा, साल भर होती आती गर्मियाँ डले हैं, कोई आदमी एक घर पर रखाता है वो फिर बाद में मंजूरी करते हैं, तब प्रतिपाल हो रहा है। क्या नाम भैया? नाम रामदेव। कहाँ के रहने वाले हैं? सिमरा शेखपुर। आप लोगों को ग्राम प्रधान ने क्या क्या मुहैया कराया है? उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया है, अपने पैसों से जमीन खरीद करके हमको प्लाट दिए, फ्री दिए, और उन्होंने हमको सुविधा दी और हमारे यहाँ नल भी लगवा दिए दो, उसी में रह रहे और का नाम हमारा मलैया डार के रह रहे, और जो बन रहा है वो हमारी मदद कर रहे। SDM साहब के यहाँ गए और उन्होंने कह दिया, DM साहब ने कह दिया, तहसीलदार भी कह रहे हैं कि हम तुमको देंगे, और वादा भी किया है, अच्छा वादा किया है कि हम तुमको इन्हीं इंदाज देंगे, एक एक घर बनवाएंगे और भी तुमको उजेरा भी करवाएंगे, लाइट भी दिलवाएंगे, और जो बनेगा वो सुविधा आपको हम देंगे। और हमारे प्रधान जी बहुत विकट हमारे लिए साथ में हैं और हम अपने प्रधान के अग्रीमेंट हैं, जैसे प्रधान जी कहेंगे वही हम कर रहे, और हमारे प्रधान जी ऐसे नहीं हैं जो कि करवाते ना हों, सहयोग अच्छा कर रहे। और जब जमुना बढ़ी थी प्रधान जी ने हमारे ने खाना दिया और आटा दाल दिया और सब सारी व्यवस्था उन्होंने हमको दी और देते जा रहे हैं। और गरीब आप साहब हम लोग गरीब हैं, वो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, एक आदमी घर पे बैठा जाते हैं रखाने के लिए और बाकी मजदूरी करते हैं।